पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में तीन राज्यों में मतदान पूरा होने के बाद अब सारा फोकस राजस्थान और दिल्ली पर टिक गया है। बीजेपी और कांग्रेस समेत सभी दलों ने दोनों राज्यों में पूरी ताकत झोंक दी है। दोनों दलों के बड़े नेता जनता के बीच जाकर अपनी अपनी पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज राजस्थान के सीकर में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। सोनिया ने कहा कि कांग्रेस की नीति सांप्रदायिक सद्भाव की रही है और कांग्रेस के नेताओं ने राष्ट्रीय एकता के लिए कुर्बानी दी है। जब उनका शासन था तब उन्होंने यहाँ और प्रदेश के लिए, आपके यहाँ और राजस्थान प्रदेश के लिए क्या काम किया? वे केवल केवल बातों की राजनीति करते हैं। वहीं बीजेपी की ओर से लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने दिल्ली में रैली की। सुषमा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के राज में महंगाई बढ़ी है। सीकर में ही बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने भी रैली की और कांग्रेस की सरकारों पर हमला बोला। और जब देश संकट के भंवर में फंसा हुआ हो तो इस देश को संकट के भंवर से यदि कोई राजनीतिक पार्टी निकाल सकती है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी निकाल सकती है। जब जब देश में गैर कांग्रेस सरकार आती है तो कीमतें स्थिर हो जाती हैं, चीजें उपलब्ध हो जाती हैं। क्या कारण है कि कांग्रेस की सरकार आते ही कीमतें आसमान छूने लगती हैं और चीजें बाजार से गायब हो जाती हैं? चुनावी माहौल में नेता जनता के बीच जाकर वादों की झड़ी लगा रहे हैं, लेकिन जनता का फैसला क्या होगा इसके लिए 8 दिसंबर तक इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।